तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं सोनागिरी के जैन मंदिर। ये सोनागिरी जैन मंदिर का मुख्य द्वार है। सोनागिरी मंदिर जैन धर्म को मानने वाले लोगों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया शहर में है और दतिया से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर है। सोनागिरी के इन मंदिरों को लाल, सफेद, पीले और नीले रंगों से सजाया गया है तथा इन मंदिरों की वास्तुकला उत्तर भारतीय है तथा इन मंदिरों को ऊंचे शिखर वाली आकृतियों से भी सजाया गया है, जिन्हें कई किलोमीटर दूरी से देख पाते हैं। पहाड़ी पर बने ये मंदिर दूर से ही चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। सोनागिरी के इन मंदिरों में श्री चंद्र प्रभु जी का मंदिर, श्री नेमिनाथ जी का मंदिर, श्री पार्श्वनाथ जी का मंदिर, श्री आदिनाथ जी का मंदिर, श्री पद्म प्रभु जी का मंदिर, श्री अजितनाथ जी का मंदिर, श्री शांतिनाथ जी का मंदिर और श्री विमलनाथ जी का मंदिर दर्शनीय हैं। सोनागिरी में कुल 103 मंदिर हैं, जिनमें मंदिर क्रमांक 57 मुख्य मंदिर है। मंदिर क्रमांक 57 में चंद्र प्रभु की 17 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है, जो कि 5वीं से 6वीं शताब्दी की है। यहां एक विशाल हाल भी है, जहां लोग ध्यान मग्न रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जब हम इन मंदिरों के बीच पहाड़ी पर होते हैं तो हमें एक विशेष अनुभूति होती है, मन शांति का अनुभव करता है। यह इस स्थान की विशेषता है, तभी लोग यहाँ दूर दूर से दर्शन को आते हैं। यह सोनागिरी पर्वत मंत्रों को सिद्ध करने का भी प्रमुख स्थान है, तभी लोग यहाँ आकर कई दिनों तक मंत्रों का जाप करते हैं और अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं। हिंदी में सोनागिरी का मतलब सोने का एक पहाड़ होता है। यह स्थान भक्ति, तपस्वी और संतों के लिए आत्म अनुशासन, तपस्या का अभ्यास और मोक्ष प्राप्त करने की प्रमुख जगह है। जैन धर्म के अनुसार श्री चंद्र प्रभु, जो कि 8वें तीर्थकर थे, के समय से 5.5 करोड़ तपस्या करने वाले लोगों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त की है। यहाँ सोनागिरी पहाड़ी पर 77 मंदिर पहाड़ी के ऊपर और 26 मंदिर सोनागिरी पर्वत के पास गांव में स्थित हैं। सोनागिरी में ही आचार्य शुभचंद्र और ऋषि भर्तृहरि ने निर्माण पाया और निर्माण से पहले ही सोनागिरी में अनेक ग्रंथों की रचना की। आचार्य शुभचंद्र और ऋषि भर्तृहरि के अलावा नाग, अनंग, चिंतागति, पूर्णचंद, अशोक सेन, श्रीदत्त, स्वर्णभद्र जैसे कई संतों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया है। सोनागिरी एक अनोखा स्थान है, जिसे लघु संवेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान दो पहाड़ियों के साथ साथ 135 एकड़ जगह पर बनाया गया है। सोनागिरी एक चमत्कारिक जगह है। इस स्थान की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि उज्जैनी राज्य के राजा श्रीदत्त की पटरानी विजया की कोई संतान नहीं थी। रानी विजया हमेशा इस कारण दुखी रहती थी। भाग्य से एक बार आदियत और प्रभागत नाम के ऋषि वायुमार्ग से राजा श्रीदत्त के महल में पधारे। राजा श्रीदत्त और रानी विजया ने उन दोनों ऋषियों का मन से भक्तिपूर्ण सत्कार किया। सत्कार के बाद रानी विजया ने
ऋषियों से संतान प्राप्ति के विषय में पूछा। तब दोनों ऋषियों ने राजा श्रीदत्त और रानी विजया से सोनागिरी पर पूजा अर्चना करने को कहा। इस प्रकार राजा श्रीदत्त और रानी विजया ने 9 माह तक सोनागिरी में लगातार पूजा अर्चना की। तत्पश्चात उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। सोनागिरी स्थान की एक और कथा बड़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि राजा भर्तरि के बड़े भाई शुभचंद्र ने यहाँ तपस्या की थी। बाद में राजा भर्तरि ने भी राजपाट त्याग कर संन्यास धारण किया और अपने गुरु के पास जाकर विद्या सिद्ध की और ऐसा रसायन प्राप्त किया जो पत्थर को सोना कर देती थी। कई वर्षों बाद राजा भर्तरि को अपने बड़े भाई शुभचंद्र की याद आई। उन्होंने अपने लोगों को अलग अलग दिशाओं में भाई शुभचंद्र की खोज के लिए भेजा। भाई शुभचंद्र सोनागिरी पहाड़ियों पर कठिन तप करते देखे गए, जिनका शरीर पूरा सूख चुका था। उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं थे। जब यह बात भर्तरि को पता चली तो उन्होंने थोड़ा रसायन अपने भाई शुभचंद्र के लिए भिजवा दिया, जो कि पत्थर को सोना कर देता था। जब शुभचंद्र को वो रसायन मिला तो वे विचार में पड़ गए कि भर्तरि कितना अज्ञानी व्यक्ति है, कि यदि मुझे कोई सोने या चांदी की इच्छा होती तो मैं राजमहल क्यों छोड़ता। शुभचंद्र ने वह रसायन वहीं फेंक दिया। जब यह बात राजा भर्तरि को पता चली तो वे बड़े क्रोधित हुए और क्रोधावस्था में राजा भर्तरि अपने बड़े भाई शुभचंद्र से मिलने पहुंचे और शुभचंद्र से कहा कि मैंने इतने साल तप किया और जाकर तब रसायन प्राप्त किया जिसको आपने जमीन पर फेंक दिया। तब शुभचंद्र ने राजा भर्तरि से कहा कि तुमने इतने साल तप किया व्यर्थ किया। संसार केवल परिभ्रमण का कारण है और मुझे सोना चांदी की कोई लालसा नहीं है। क्रोधावस्था में राजा भर्तरि ने अपने बड़े भाई शुभचंद्र से कहा कि आपने इतने साल तप किया, आपको क्या मिला। तब शुभचंद्र ने एक मुट्ठी रेत उठाकर प्रभु का नाम स्मरण किया और उस रेत को पहाड़ पर फेंक दिया। पूरा पहाड़ सोने का हो गया। उस समय से इस पहाड़ को सोनागिरी के नाम से जाना जाता है। सोनागिरी में मंदिर और मूर्ति का निर्माण कार्य भगवान महावीर की मृत्यु के पश्चात ही प्रारंभ हुआ, पर यहाँ इस क्षेत्र का महत्व भगवान महावीर की मृत्यु के समय से भी अति प्राचीन है। किसी स्थान पर मंदिर या मूर्ति स्थापित करने से उस स्थान की प्राचीनता व महत्व कम नहीं होता है। भारतवर्ष में अनेक निर्माण क्षेत्र रहे हैं जहां भक्तों ने अनेक नवीन मंदिर और मूर्ति का निर्माण कराया, परंतु वे क्षेत्र सदैव प्राचीन रहे हैं और माने भी जाते हैं। इस कारण उस क्षेत्र का महत्व मंदिर और मूर्ति के महत्व से ज्यादा माना जाता है। सोनागिरी पर्वत यहाँ मिलने वाले धन्य धान, खनिज, वन और औषधियों आदि संपदाओं से परिपूर्ण है। श्रद्धा व भक्ति से ये क्षेत्र भरा पड़ा है। इस कारण यह क्षेत्र सोनागिरी की सार्थकता को सिद्ध करता है। यहाँ के निवासियों को सदा ही बहुमूल्य पदार्थ ये पर्वत देते आ रहे हैं, बहुमूल्य रत्न देते आ रहे हैं। ऐसा उल्लेख ईसवी की पहली व दूसरी शताब्दी में मिलता है। यहाँ मंदिर क्रमांक 68 एक महल रूपी मंदिर है, जिसका बाहरी रूप महलों के समान दिव्य है। इस मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ विराजमान है। इस मंदिर के बाहर लोग पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर घर बनाने
और संतान प्राप्त करने के लिए मन्नत मांगते हैं। जब भी आप दतिया या दतिया के आसपास कहीं घूमने जाते हैं तो सोनागिरी के इन भव्य मंदिरों के दर्शन को जरूर जाएं। कहा जाता है कि भगवान चंद्र प्रभु का समवसरण यहां 17 बार आया है। सोनागिरी एक रेलवे स्टेशन भी है। सोनागिरी रेलवे स्टेशन से सोनागिरी के मंदिर लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं, जहां आप बस से या खुद के वाहन से आसानी से पहुंच सकते हैं। और सोनागिरी के मंदिर यदि आप दतिया से जाना चाहते हैं तो दतिया से सोनागिरी के मंदिर लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर है, जहां से सीधी बस आपको सोनागिरी के मंदिर पहुंचा देती है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।